हे एवरीवन, आज की रेसिपी बनने वाली है पोटैटोज से। तो ये मैंने 4 पोटैटोज लिए हैं और उनको उबाल लिया था और फिर अब मैं इनको छील रही हूँ। देन उसके बाद मैंने क्या किया ना, एक ग्रेटर लिया है और उससे एकदम बारीक सा ग्रेट कर लेंगे हम चारों पोटैटोज को। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत ही इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पे, जो ऑलमोस्ट सब 30 मिनट्स के आसपास में बन जाती हूँ और हर कोई बना सकता है, इतनी इजी रेसिपी होती है। सो, ये मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी पानी में डाल के, और इसमें मैंने साथ में मिक्स कर दिया था थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची। देन ये पोटैटो का मिक्स है, इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला और 2 ही चम्मच चीज़ के डाले, ये प्रोसेस चीज़ है। देन उसके बाद मसालों में मैंने डाला था चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक एंड ब्लैक पेपर। लास्ट में इसमें मैंने मिक्स करा था थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अगर डो हाथ में चिपके ना तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेना हाथ में। मैंने भी थोड़ा सा चिपक रहा था तो थोड़ा सा ऑयल लगाया था एंड में, पर इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह और मिक्स करने की नीड नहीं थी तो मैंने मिक्स नहीं किया था। उसके बाद ये डो रेडी हो जाएगा तब हम एक स्लैब पे या फिर आप चॉपिंग बोर्ड पे इसको रख लें और देन इसका हम शेप बनाएंगे। इन सबको रोल आउट करेंगे हम। और मैंने क्या किया था ना, ट्रायंगल शेप के पोटैटो नगेट्स बनाए थे ये। सबसे पहले मैंने इसको सिलेंड्रिकल शेप में बना लिया और फिर इसको कट किया। देन इसके बाद कट करने के बाद सबको मैंने ट्रायंगल शेप दिया था। ऐसे डिफरेंट शेप्स ट्राई करने से क्या होता है ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है और दिखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगता है। देन ये सब मैंने करके रेडी करा और साथ साथ क्या, मेरा खाना भी बन रहा था तो मैंने ये दाल चढ़ाई हुई थी। और चलिए, अब मैंने इनको सबको कॉर्नफ्लावर में की स्लरी में डिप किया और उसके बाद इसको सेवइयों से कोट किया था मैंने। इसी टाइप से मैंने सारे पोटैटो नगेट्स को कोट कर लिया और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। आप चाहें तो हाथों हाथ भी तल सकते हैं, पर मेरे पास टाइम था तो मैंने इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद इन सबको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया, एक साथ सारे नहीं आते तो 5-5 करके मैंने इनको फ्राई किया था। फ्लेम हाई रखेंगे इसमें, नहीं तो पोटैटो नगेट्स में ऑयल भर जाएगा। और इसको बड़े चमचे से नहीं, थोड़े से छोटी चमची लेंगे हम टर्न आउट करने के लिए। एंड गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। सो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो, ये क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बनके रेडी हो गए और मैंने फिर इन्हें सर्व किया इन द सर्विंग प्लेट विद द सॉस। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।